जहां हाय गाते हो क्या जगह है जहां पांच जाते हैं चार फिरते हैं। मेरे प्यारे आपका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की प्यारी दीवान, मैं सबसे पहले आप तमाम हजरात से माफ़ी मांगता हूँ कि मैं जुम्मा की नमाज के लिए आतुल मकर गया तो वहाँ से हम डेढ़ बस नहीं आई। अब यहाँ पर मेरा इंतज़ार करना पड़ा। मैं आप तमाम से माफ़ी चाहता हूँ कि आप यहाँ पर अपने कारोबार अपने कामों काज को छोड़कर यहाँ पर बैठे हैं मगर मेरे आने में ताखिर हो गई। बस मैं थोड़े से वक्त में, आपका ज़्यादा वक्त नहीं रहूँगा, तो थोड़े से वक्त में ही जो मकसद के लिए हम यहाँ पर बैठे हैं इंशाल्लाह वो मकसद में बयान कर देता हूँ। उसके बाद थोड़ा सा तरीका भी हम यहाँ पर बता देंगे जिस तरीके से मैं देना है। मेरे प्यारे आपका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की प्यारी बात, हम तमाम हजरात जानते हैं कि जैसे ही ये जो वबा फैली है जिसे कोरोना वायरस कहते हैं, जिसकी वजह से बहुत लंबे दिनों तक एक लॉकडाउन चला, तो उसके बाद से लेकर के आज तक भी माहौल ऐसा बन गया है कि अगर कोई नेचुरल डेथ भी होती है किसी की, अगर इंतकाल नेचुरल तौर पर भी होता है तो लोग उस मैयत के करीब जाने से डरते हैं कहीं वो उसे कोरोना ना आ गया हो और मुझे भी ना आ जाए, ये सोचकर के लोग अच्छी मैयतों के करीब जाना आज छोड़ दिए। अब आप देखिए अफसोस के साथ कहना पड़ता है, इसलिए कि जब लॉकडाउन में मस्जिद को बंद कर दिया गया, किसी को अंदर आने की इजाजत नहीं थी, सिर्फ पांच आदमियों को नमाज पढ़ने की इजाजत थी, तो इस कौम मुस्लिम के अंदर इतना जज्बा था जाकर के लोग सदर नायब सदर ट्रस्टियों से लड़ते थे, क्यों हम नमाज नहीं पढ़ सकते, ताला क्यों लगाते हम नमाज पढ़ेंगे। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया मस्जिदें जैसे जैसे ओपन हो गई, आज अभी भी खुली है मस्जिद, तो आप बताइए कि कितने लड़ने वाले हजरात जो दरवाजे के पास जाकर के लड़ते थे वो कहाँ चले गए नमाज पढ़ने के लिए। अब तो मस्जिदें खुली है, क्यों नमाज के लिए नहीं आ रहे। हमने मजाक बना दिया इसलिए कि लॉकडाउन में कामों काज कुछ भी नहीं था, तो मस्जिद में जाकर के झगड़ा तो करें, नमाज पढ़े या ना पढ़े ट्रस्टियों से झगड़ा तो करें, इसलिए जाते थे। अब कारोबार सबका ओपन हो गया है, अब मस्जिद की तरफ हमारा रुख बिल्कुल नहीं। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कौम मुस्लिम आज इतनी दुआएं करने के बावजूद भी बताइए कि ये वबा जो बीमारी है अब नंबर दो पोजीशन पर हिंदुस्तान है। अमेरिका के बाद रिपोर्ट के अंदर कहा गया कि दूसरे मकाम पर हिंदुस्तान है। इतना कंडीशन के साथ लॉकडाउन किया गया, इतनी एहतियात की गई, इसके बावजूद भी सबसे ज्यादा कोरोना से मरने वालों की तादाद हिंदुस्तान में है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारे वालों, मौत आनी है, इसीलिए कुरान ने कहा कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। मौत आ करके देखेगी हर जानदार, मगर आप बताइए मौत के आने से पहले हमारे पास कौन सी ऐसी तैयारी। शायद आप तमाम हजरात में देखते होंगे कि इस मरतबा बहुत अच्छे अट्टे कट्टे लोगों ने इंतकाल कर लिए। आप थोड़ा सा बैठकर भी सोचेंगे कि कितना घट था इंसान, कितना मजबूत था, ताकतवर था, वो भी इंतकाल कर गया, क्या हो गया। अब आप बताए ना उसे कोरोना वो वायरस लगा था तो कुछ भी नहीं, बहुत सारे ऐसे लोगों का इंतकाल हुआ है जो सिर्फ सुन करके जिनको सदमा लगा, जिनको हार्ट अटैक हो गया या बीपी रेज हो गई या बीपी लो हो गया या शुगर ज्यादा हो गया शुगर लो हो गया, इसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जान गई। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवान, अब मामला ये है कि बहुत सारी ऐसी लाशें जो डिस्ट्रिक्ट से दी गई या नहीं दी गई तो उनको वसूल देने का मसला पैदा हुआ कि जिस तरीके से उनको पैकिंग करके दिया जाता है, ना आप तयमम करा सकते हैं ना उनको वसूल दे सकते हैं। अब ऐसी हालत में कौम मुस्लिम को चाहिए कि एक हमारा ऐसा ग्रुप हो
जो इन तमाम कामों के अंदर आगे आकर के उम्मत के अंदर एक थोड़ा सा सुकून का माहौल पैदा करे कि हम गुस्ल देने के लिए तैयार हैं। अब आप बताइए कि ये ऐसी बीमारी है कि लोगों ने कि कहा गया हुकूमत की तरफ से कि सोशल डिस्टेंसिंग करो, तो लोगों ने अपने रिश्तेदारों से कोई इख्तियार कर लिया, कोई अपने बैग बैग में पीछे काली भी है तो बिठाने के लिए तैयार नहीं कि कोरोना वाला ना बैठ जाए, ऐसी हालत पैदा हो गई। इसलिए हमें चाहिए कि डरने की जरूरत नहीं है, एहतियात के साथ अगर हम आगे बढ़कर के ऐसे मरीजों को भी अगर वो सुनते अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भी नहीं हो सकता। ये बहुत सारे इसके लिए जो तरीके हैं जो कि टीके बनाई गई है, अगर वो पहन कर भी हमारे बेशतर मुबल्लिकीन ने इस मरतबा ऐसे पॉजिटिव पेशेंट्स को भी गुस्ल दिया, इसके बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह कोई जाकर के चेक कराने के बाद भी उनको वापस वो वायरस अटैक नहीं हुआ। इससे मानना पड़ेगा कि कौम मुस्लिम के अंदर एक मैयत गुस्ल देने का तरीका इतना बेहतरीन है कि बहुत सारे कुफार मुश्रिकीन, मैं एक आपको तजुर्बा बताता हूँ कि हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा आदमी है, बहुत ईमानदार, जब मैं उसके दुकान के पास गया तो उसने अपनी जबान से कहा कि पैदा अगर होना है तो उसने कहा कि किस कौम का नाम, उसने कहा हाँ, जिंदगी गुजारना है तो उसने कहा और कौम का नाम ले तो उसमें इस्लाम की जिंदगी है। तो उसने आखिर में एक काफी उसकी सोच आप देखिए, उसकी थिंकिंग आप देखिए कि उसने आखिर में कहा कि पैदा ब्राह्मणों में हो और जिंदगी गुजारे क्षत्रियों की फैमिलियों के अंदर, और आखिर में उसने कहा अगर मौत आए तो मुसलमानों के अंदर। अब आप बताइए कि ये पैदाइशी काफिर कह रहा है कि मरने का वक्त आए तो मुसलमानों के अंदर मरो। अब आप बताए, मैंने पूछा कि भाई ऐसा क्यों कह रहे हो, तो उसने कहा कि मुसलमानों के अंदर इतना बेहतरीन सिस्टम है कि उनको गुस्ल देने से लेकर कफन पहना करके और कब्रिस्तान ले जाने का इतना बेहतरीन तरीका है और किसी मजहब में वो तरीका मौजूद है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मरो तो मुसलमानों के अंदर मरो। अब आप बताइए कि हमारा हाल ही है, काफिर चाहते हैं कि हम मुसलमानों के कौम के अंदर मरे, तो मुसलमानों का हाल ये है कि हम खुद दीन से दूर होते जा रहे हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब आप बताइए कि एक डर है हमारे अंदर कहीं वायरस हमें न लग जाए और हम भी कहीं इंतजार न कर जाए, भाई अगर मौत आनी है तो आप बताइए। हुजूर ने फरमाया कि एक तरफ तुम सलाम फेरो तो दूसरी तरफ सलाम फेरने का गुमान भी ना रखो, इसके दरमियान में भी मौत आ सकती है। अब इतना सब कुछ जानने के बावजूद भी कितने हमारे भाई ऐसे, कितने जनाजों में हम तशरीफ ने ले, कितने मौतें ऐसी होगी जहाँ पर सिर्फ घर वालों को दो या तीन आदमियों को बुला करके दिखा दिया गया, उसके बाद मिट्टी डाल करके गुस्ल के बगैर कफन के बगैर दफन कर दिया गया। जरा आप सोचिए, अफसोस की बात है कि कितने सारे ऐसे मुसलमान जो मालदार हैं, जिनके पास माल और दौलत की कोई कमी नहीं है, इसके बावजूद भी बगैर कफन के उनको दफनाया गया, बगैर गुस्ल के दफनाया। अब आप अंदाजा लगा के देखिए, अगर हमारे अंदर एक तंजीम ऐसी हो, एक कमेटी हमारी ऐसी हो कि वो खुद जाकर के डीसी से बात करे कि जो भी मामला हमारे मुस्लिम कौम का हो, अगर किसी का इंतकाल हो जाए तो हम पूरी एहतियात के साथ हम गुस्ल देकर के हम दफन करेंगे। कब कहेंगे? जब हमें खुद मैयत को गुस्ल देने का तरीका आता हो, मैयत जनाजे की नमाज पढ़ाने का तरीका हमें आता हो, कफन पहनाने का तरीका अगर हमें आता हो, हम जब जाकर के पूछ सकते हैं। जब खुद हमें कुछ नहीं मालूम तो हम जाकर के पूछने की कोशिश भी नहीं करेंगे। ऐ मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अब आप सोचते हो कि कोई दूर का मरा है, कोई गांव में दूसरा मरा है, हमें क्या लेना देना है, हो सकता है कल हमारे घर में भी हो जाए मौत, तो आकर के रहेगी। अब अगर इंतकाल घर में हो गया तो जब क्या करो,
जरा आप सोचो तो सही मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्यारे दीवानों, लोग ऐसे इंतकाल कर जा रहे हैं कि अगर बेहतर के आप सोचेंगे तो आप हैरान परेशान हो जाएंगे, और सोचना भी चाहिए, क्योंकि अगर मौत के ताल्लुक से इंसान सोचेगा तो उसका दिल इबादत की तरफ पलटेगा, वो अल्लाह की इबादत की तरफ उसका दिल पलटेगा। इसलिए फरमाया गया कि मौत को कसरत से याद करो। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दीवानों, मौत आसान चीज नहीं है, मौत जो है आसान चीज नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सहाबा करते हैं, आका एक मुर्गी जब ज़बह करते हैं तो जान जाने की तकलीफ इतनी होती है कि मुर्गी इतनी ऊपर ऊपर तक उछलती है। एक जानवर को ज़बह करते हैं तो इतना दबता है, जान जाने की तकलीफ इतनी होती है। हुजूर की बारगाह में अर्ज करते हैं आका, जब इंसान की रूह निकलती है, इंसान की जान जाती है, इंसान हलता भी नहीं, क्या वजह है? तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मेरे साहबा, अगर इंसान को जब मौत आती है, जब मौत का फरिश्ता रूह निकालता है, तो फरमाते हैं कि चारों तरफ से उसे फरिश्ते पकड़ लेते हैं, उसे मजबूती के साथ पकड़ लेते हैं, उसके बाद उसकी रूह निकाली जाती है। हुजूर फरमाते हैं अगर बगैर पकड़े भी अगर ऐसे की रूह निकाली जाए, मेरे सहाबा, 70 आदमी मिलकर भी उसे कंट्रोल करना चाहे तो 70 आदमियों को उठा करके जंगल की तरफ निकल जाएगा, इतनी तकलीफ होती है जान जाने, ऐसी शिद्दत की तकलीफ होती है रूह निकलते वक्त। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बानो, आप थोड़ा एहसास करके देखिए कि हमारे अंदर एक चीज़ की कमी है, कि हमारे अंदर थोड़ा सा इल्म कम है, इस वजह से हम इन तमाम चीज़ों से दूर होते जा रहे हैं। मगर थोड़े हमारे भाई शिकायत भी करते हैं कि इतनी मस्जिदों के अंदर दुआएं की गई, इतनी जमातों के अंदर दुआ की गई, ये वायरस क्यों नहीं गया, वायरस क्यों नहीं गया, है ना? एक सवाल पैदा होता है, इतनी सारी दुनिया के अंदर दुआएं मांगी जा रही थी, ये वायरस आखिर क्यों नहीं जा रहा है? इसकी एक वजह ये है, आप दुआएं मांगने वाले एक आलिम दीन है, मस्जिद के इमाम है, किसी खानदान के पीर साहब हैं, इनकी दुआएं अल्हम्दुलिल्लाह, उनकी दुआएं अल्लाह की बारगाह में कबूल होंगी, मगर आमीन कहने वाले भी तो सही हो, जो आमीन कहने वाले हैं वो भी तो सही हो, गुनाहों से पाक। अब आप सोच आप पूछेंगे वो कैसे, तो फरमाया गया, आप बताइए, मस्जिद का इमाम जो 5 से 6-7 साल पढ़कर के आप मस्जिद में आवे, हम उन्हें इमाम बना करके रखे हैं, बताइए वो गुनाहगार नहीं है, मगर दुआ मांगे दुआ कबूल नहीं हो रही है, सारी दुनिया मिलकर के दुआ मांगे दुआ कबूल नहीं हो रही है। आइए मैं आपको बताऊं कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ये अल्लाह की बात कही जा सकती है, नबी की दुआ कभी रद्द नहीं की जा सकती, मगर जिस दौर के अंदर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम थे उस वक्त में आसारी बड़ी बरसात नहीं हो रही, 70,000 का मजमा था, 70,000 लोग सामने बैठे हुए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दुआ करते, मौला बारा तेरे हकम सुन फरमा, बाप बताए कि नबी दुआ कभी रद्द नहीं हो, बहुत देर तक दुआ मांगते रहे, दुआ मांगते रहे, दुआ मांगते रहे, मगर कोई दुआ कबूल नहीं, एक नबी की दुआ। आप बताइए कि हम चार सिर्फ जुम्मे के दिन जाकर के दुआ मांग करके आ जाते हैं, हम कहते हैं कि हमारी दुआ क्यों कबूल नहीं हो रही और वायरस क्यों नहीं जा रहा, ये तमाम की तमाम मुसीबतें हमारे ऊपर क्यों आ रही हैं, हम सोचने में पड़ जाते हैं, सिर्फ 2 रकअत नमाज पढ़ते हैं, सिर्फ 2 रकअत नमाज पढ़ते। अब आप बताइए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, दुआ करते मौला बारा अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, मूसा तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा, मगर तुम्हारे जो सामने जो तुम्हारे चाहने वाले बैठे हैं उसमें एक गुनाहगार बैठा है, 70,000 के मजमुए के अंदर एक गुनाहगार बैठा है, तुम उसे उठाकर के बाहर निकाल दो, उसे बाहर निकाल दो तो मैं फौरन बारान रहमत का नज़ूल करूंगा, तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। अब ऐलान होता है कि कौन है 70,000 लोगों के अंदर वो गुनाहगार, वो महफिल से निकल जाए। अब बैठे रहे, देखते रहे, देखते रहे, देखते रहे, एक आदमी भी नहीं उठा। उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम फिर दुआ करते हैं तो बारह में रहमत का नज़ूल होता है,
बारिश बरसनी शुरू हो गई। उसके बाद मूसा अली सलाम अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते, मौला 70,000 लोगों के अंदर एक बंदा भी उठ के नहीं गया। अब बारह में रहमत कमजोर हो रहा है, तुमने दुआ कबूल कर ली तो रब इरशाद फरमाता है मूसा उस बंदे ने वहीं बैठे बैठे तौबा कर ली गुनाहों से, वहीं पर उसने तौबा कर लिया। अगर मैं 70,000 के बीच में अकेला उठूंगा तो लोग सारे 70,000 लोग समझेंगे यही गुनाहगार है, इसकी वजह से ये आफत आई है। वो बैठे बैठे वहीं पर उसने तौबा कर लिया। तो मूसा अलैहिस्सलाम रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, मौला वो कौन ऐसा बंदा है जिसकी तौबा पर तो बारिश नाज़िल करता है, मुझे थोड़ा दिखा दे। तो रब इरशाद फरमाता है मौला कितना गफूर है और मौला सत्तारुल कुयूब है, वो कुछ छुपाने वाला है। रब इरशाद फरमाता है मूसा जब वो गुनाह करता था तो मैंने उसे बदनाम नहीं किया, मैंने उसे बेनकाब नहीं किया। जब वो गुनाह करता था तो मैंने उसे उसके गुनाहों को सबके सामने बेपर्दा नहीं किया, जबकि अब तौबा करके वो नेक हो गया है तो मैं उसके गुनाहों को कैसे बताऊं। मेरे प्यारे आपस में क्या दीवान, इसलिए चाहिए कि इमाम दुआ कर रहे दुआ कबूल नहीं हो रही ये सोचने से पहले आप हमारी तरफ भी देखिए कि हम कितने नेक हैं, हम कितने मुतकी हैं, हम कितने परहेजगार हैं। तो हम ये कहें तो दुआ कबूल हो जाए। मेरे प्यारे आपस में क्या दीवान, मौत आकर के रहेगी, इसलिए कि जब मौत का फरिश्ता आता है तो बीवी को बेवा बना देता है, बच्चों को यतीम बना देता है। ये मौत का फरिश्ता है जो आकर के किसी की नहीं सुनता, कितना ताकतवर भी हो, कितने मजबूत किले में अगर बंद होकर के लॉक कर ले, सिक्योरिटी लगा ले, तो मौत आकर के रहेगी, मौत कहीं भी नहीं छोड़ेगी। इसलिए हमें चाहिए कि हम कुछ नेक अमल करें। और जो मैयत को वज़ू देने के ताल्लुक से फरमाया गया कि वक्त कितना है हाँ जी पढ़ सकते हैं, हाँ फरमाया गया कि जब किसी के इंतकाल का वक्त करीब आ जाए तो थोड़ी सी निशानियां बताई गई कि जिसका इंतकाल का वक्त करीब आता है तो फरमाया गया कि उसके पैर ढीले पड़ जाते हैं, पांव धीरे पड़ जाते हैं, उसके अंदर चलने बैठने की कैपेसिटी नहीं है। और उसके बाद फरमाया गया कि छोटी सी निशानियों के अंदर एक निशानी बताई कि नाक उसकी टेढ़ी हो जाती है, बोला नाक उसकी टेढ़ी हो जाती है और एक अंगठियाँ हैं इसके अंदर गड्ढे पड़ जाते हैं। जब इंतकाल का वक्त करीब आता है तो छोटी सी निशानियाँ बताएंगी। अब किसी का इंतकाल का वक्त करीब है तो फरमाया गया कि अगर कोई नेक इंसान है तो कलमे की तरक्की करे, इंतकाल वो निकल रही है तो फरमाया गया कि कलमे की तरक्की करे। कलमा तलकीन कैसे करे, जाकर के नहीं कि कहे उठ पढ़। अब आप वो उससे ना कहेंगे कि तू उठ करके पढ़ ले, नहीं आप पढ़ते रहेंगे मैयत के जो मरने वाला है उसके करीब बैठ कर के पढ़ते रहेंगे, पढ़ते रहे। अगर उसकी जबान से निकल गया अब उसने भी कह दिया तो आप तलकीन करना बंद कर दें, क्योंकि फरमाया गया कि जो इंतकाल करने वाला हो उसका आखिरी वर्ड क्या होना चाहिए, आखिरी अल्फाज ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अगर उसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तो उसके बाद फिर उसने बात की और उसने बात करी दूसरी कोई बात करी तो फिर उसके बाद फिर तलकीन करें कि उसका आखिरी जुमला आखिरी वर्ड आखिरी अल्फाज क्या हो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और इसे तलकीन कहते हैं। अगर रूह नहीं निकल रही आकर के उसके गले में अटक गई है, सकरात का आलम है, तो फरमाया है किसी एक आदमी को बिठा करके यासीन शरीफ की तिलावत करें, सूरह यासीन शरीफ की अगर तिलावत करते रहे तो आसानी के साथ उसकी रूह निकल जाती है, यह फरमाया गया जो तरीका है। हाँ जैसे ही अब फरमाते हैं कि इंतकाल हो जाए रूह निकल जाए तो फरमाया गया कि हो सके तो उसका चेहरा जो है ना एक आदमी आ जाए, कोई आते हैं जी।
अगर आप देखें अगर किसी का इंतकाल का वक्त करीब आ जाए, इंतकाल हो जाए, तो इंतकाल होने से पहले पहले आप बैठ कर देखें, आराम से बैठ जाए, तो आप हो सके तो उनका चेहरा जो है ना कमरे करने की कोशिश करें, कमरे की तरफ चेहरा करने की कोशिश करें। अगर ऐसा नहीं होता तो एक तरीका ये है कि पैर पैर जो है ना पांव पांव कमरे की तरफ कर दे और थोड़ा सा जो दीवान पर वगैरह होता है ना वो थोड़ा सा ऊपर उठा दे ताकि उनका चेहरा कमरे की तरफ हो, पैर इस तरीके से नीचे हो जाए। ये दोनों तरीके जायज हैं। ऐसा नहीं कि क़िबले की तरफ पांव क्यों करें, ऐसा नहीं है कि मरने वाला अगर इंतकाल कर गया तो हो सके तो चेहरे को क़िबले की तरफ कर दे, अगर नहीं होता तो इस तरीके से खा करके सुला दे, उसके पैर जो है ना क़िबले की तरफ करके थोड़ा सा सर की तरफ से दीवान काट इस तरीके से थोड़ा उठा दे, ईंट वगैरह रख दे ताकि उनका चेहरा क़िबले की तरफ हो और पैर नीचे हो जाए। एक दोनों तरीके हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे कि आप उनके हाथ पैर जो है ना हाथ पैर इस तरीके से सीधे कर दे, अगर फोल्ड हैं तो जैसे ही रूह निकलती है तो जिस्म थोड़ा सा गर्म होता है, अगर पैर वगैरह फोल्ड है हाथ फोल्ड है अगर ऐसे ही आप छोड़ दें तो गुस्ल देने में बड़ी तकलीफ होगी कि हाथ पैर उनके सीधे नहीं होते। बहुत सारे घरों के अंदर लोग डर करके करीब भी नहीं जाते मौता के और जाकर के मौजिद साहब को इंतज़ार में लग जाते हैं जब तक कि बॉडी ठंडी पड़ जाती है, उसके बाद हाथ पर स्ट्रक हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है मौजिद जब नहाने के लिए आता है तो वो खींच खींच करके हालत उस मैयत की बिगाड़ देता है। इस तरीके से करना मना फरमाया गया कि आप पहले ही कोई पहुँच जाए कोई चले जाए मेरे भाई कोई भी जा सकता है मोमिन मुसलमान अगर है तो फौरन जाकर के क्या करें उनके हाथ पर सीधे करके हो सके तो क्या करें जो कपड़ा है उनका लिबास जो है ना वो जो पेंट करके रहते हैं उस कपड़े को तब्दील कर दें, कपड़ा चेंज कर दें। मैं बता रहा हूँ अब क्या करें, एक कपड़ा वगैरह कुछ कोई उजला कपड़ा सफेद पहन लो, कोई भी हो अगर कपड़ा लेकर के आते हैं आप उड़ा दें मैयत के ऊपर, अब उनके कपड़े वगैरह तब्दील करें। इसलिए अगर कोई घर का करीबी फर्द हो उसका बेटा हो उसका रिश्तेदार हो वो जो है ना जो उनके जो सीक्रेट पार्ट्स होते हैं वो हर एक को देखने की इजाज़त नहीं है। हाँ अगर इस्तिंजा हो गया है जब जान निकलती है रूह निकलती है तो कभी इस्तिंजा छोटा भी हो जाता है कभी बड़ा इस्तिंजा भी हो जाता है, इतनी शिद्दत की तकलीफ होती है जान जाते हो। हाँ हमें सुलाने से पहले पहले जैसे ही हाथ पे हमने सीधे कर लिए तो उसके बाद कपड़ों को तब्दील करना है। कैसे कपड़ों को तब्दील करें, अब मिसाल के तौर पर लुंगी वगैरह आपने ले ली तो अगर वो बंदा पैंट पहन करके है तो आप पैंट काट दें उसके बाद अंडरवेयर वगैरह काट करके देखें कि अंदर नजासत है तो उसे क्या करें थोड़ा सा नीम गर्म पानी नीम गर्म लेकर के कपड़ा वगैरह ले तो उसके बाद अच्छे तरीके से कमर के नीचे वाले हिस्से को साफ करें, अगर नजासत वहाँ पर भी अच्छे तरीके से साफ करें। उसके बाद अगर आप शर्ट भी बदलना चाहते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह आप आराम के साथ इस तरीके से पहले शर्ट ऊपर तक ले लें उसके बाद आस्तीन निकालें बाद ये आस्तीन भी निकाल करके आप बाहर खींच लें उसके बाद फिर दूसरा भी शर्ट आपको पहना लें। पहनाने के बाद अब मैयत को आप सुलाना है। इस तरीके से सबसे पहले आपके दोनों जो अंगूठे हैं ना इन दोनों अंगूठों को थोड़ा सा एक कपड़े से आप बांध दें उसके बाद एक चौड़ी सी एक पट्टी लेकर के आप यहाँ से ठूडी के नीचे से लेकर सर के ऊपर तक, इसलिए कि अगर जब मुंह खुला रहता है तो हवा अंदर दाखिल होती है, जैसे हवा अंदर दाखिल होती है तो पेट इस तरीके से फूंक जाता है। और ज़्यादा जो लोग रखते हैं ना अब तो कोल्ड स्टोरेज आ गया है उसके अंदर रख देते हैं, मगर होता ये था कि कोई बाहर से आने वाला है कोई दाखिल से आएगा उसके इंतज़ार में लोग इंतज़ार करते करते पेट इस तरीके से फूल जाता था फूक जाता था, इसलिए फरमाते एक पट्टी यहाँ से यहाँ तक आप बांध करके आप इस तरीके से कपड़ा सफ़ेद उड़ाते ऊपर तक एक वो एक सफ़ेद सफ़ेद कपड़ा लेकर के आप उड़ा दें इस तरीके से। ये सुलाने का तरीका है। घर के अंदर अगर आप किसी की भी मौता हो जाए तो आप सुला सकते हैं, अगर औरत का इंतकाल हो जाए तो आप औरतों को भेजें कि
औरतें उनके कपड़े वगैरह बदल करके इसी तरीके से सुला दो। अब गुस्ल देने की बात है, अब गुस्ल देना है, अब कैसे गुस्ल दे गया। मसला यही है कि हमारे बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं जो चाहते हैं कि हम गुस्ल दें मगर वो जा नहीं पाते। क्यों? गुस्ल में कुछ पढ़ना है, बहुत सारे आयतें पढ़ना होगा, कुछ पढ़ करके नहलाना होगा, ये समझ करके लोग क्या करते हैं, कभी मौका की तरफ गुस्ल देने वालों के साथ मिलकर के गुस्ल देने की कोशिश नहीं करते। एक बात क्लियर कर दूं कि मैयत के गुस्ल के अंदर सिर्फ एक फर्ज है। मैयत के गुस्ल में कितने फर्ज हैं? एक। सिर्फ एक फर्ज। वो फर्ज क्या है? नहीं, क्या करना है? पूरे बदन पर पानी। हाँ, पूरे जिस्म पर से अगर कोई पानी बहा देता है तो उसका गुस्ल हो जाएगा, है ना। मैयत को गुस्ल देना फर्ज की पाया है, अगर कोई भी गुस्ल नहीं देगा तो सब के सब लोग गुनाहगार होंगे। इसलिए फरमाया गया कि मैयत को गुस्ल दो और बेहतरीन कफन देने का हुक्म दिया है। और फरमाते हैं कि मैयत को मैयत के गुस्ल के अंदर सिर्फ एक फर्ज है कि पानी को बहा देना। हाँ, थोड़ा सा तरीका है बस, उसे अगर हम अमल कर लेना, जान लेना, तो आप आसानी के साथ जाकर के भी किसी भी मैयत को गुस्ल दे सकते हैं। बहुत आसान है, कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैंने सिर्फ एक किताब में पढ़ा था कि बहुत सारे हमारे मौजिद हजरात डराते थे कि मैयत को गुस्ल देने के अंदर इतना पढ़ना है, इतना पढ़ना है, इतना पढ़ना है। जब हमने देखा किताबों के अंदर पढ़ने के ताल्लुक से कहीं पर भी कोई भी बात नहीं है, तो एक हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का कौल मैंने पढ़ा कि गुस्ल देने वाला मैयत का कोई करीबी हो, कोई मैयत का करीबी हो। किस लिए करीबी हो? अब आप बताए किस लिए करीबी हो? हाँ, अगर मैयत का करीबी रिश्तेदार है, अगर गुस्ल देते देते ऐसी कोई चीज जाहिर होगी जो वो लोगों से छुपाता था, है ना, अब वो घर वाला अगर गुस्ल देगा तो वो क्या करेगा? छुपाए छुपाए। अगर बाहर वाला आकर के गुस्ल देगा तो बाहर जाकर के क्या करेगा? न्यूज बना देगा, है ना, बाहर जाकर के उसके ऐप को जाहिर कर देगा। अब आप बताए कि जिंदगी भर लोग कहते रहेंगे तो वो मरा, उसे यहाँ पर कीड़े पड़े थे, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, क्या जब था मालूम, है ना। ये चीज फरमाया गया कि मैयत का कोई करीबी गुस्ल दे तो सबसे बेहतर है। और फरमाया गया कि मैयत को गुस्ल देते वक्त, है ना, मैयत को गुस्ल देते वक्त फरमाया कि कोई ऊद बत्ती या ऊद से लगा ले, हो सके तो। हाँ, मैयत को गुस्ल देते देते अगर किसी को अगर महक आती है, खुशबू आती है, अगर नेक बंदा है, तो ये बात लोगों को आप बताए कि इस तरीके से गुस्ल देते वक्त हमारे साथ ये मामला हुआ, एकदम खुशबू आए। कि अगर नेक बंदे भी हैं ऐसे जिन जो लोग रात भर हमें तो नजर आते हैं कि फुटपाथ पर बैठे हैं मगर जाकर के रात में वो रात भर इबादत करते हैं, ऐसे लोगों को अगर गुस्ल दें, नेक लोगों को, तो उनके जिस्म से खुशबू आती है। कि ये बात लोगों को बताए। हाँ, अगर बदबू आ रही है तो ऐसी चीज़ों को छुपाने की जरूरत है कि मोमिन के ऐब को छुपाया जाए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानो, अब आप बताइए कि आपने घर में इस तरीके से मैयत को रख दिया। अब फरमाया गया हदीस मुबारका के अंदर मैयत के गुस्ल और दफन के अंदर जल्दी की जाए, बहुत जल्दी से मैयत को जल्दी से गुस्ल दे और जल्दी से उसे दफना दिया जाए, मगर हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। हाँ, जल्दी से जो लाश दफन हुई इस मरतबा सिर्फ कोरोना के पेशेंटों की नहीं, उसके अलावा हमारे बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि मेरा बेटा सऊदी में है, वो सऊदी से आने तक इंतजार करते हैं, कोल्ड स्टोरेज ला करके करंट लगा करके रख देते हैं, बताए कि कितनी तकलीफ होती है ना, कोल्ड स्टोरेज के अंदर रखते हैं। हम समझते हैं क्योंकि बॉडी को कुछ नहीं हो रहा, रूह को तो तकलीफ होगी। आप कभी एस आइस का जो ठेला होता है मजबूती से अपने हाथ में पकड़ करके देखिए कितनी तकलीफ होती है, उसके बाद आप खोल करके देखिए हाथ, आपको मालूम। हम लाकर के क्या समझते हैं कि बॉडी को कोल्ड स्टोरेज में रख दिया, हम समझते हैं हम बच लिए, अब हमारे घर के कोई भी फर्द हो वो आराम से ले लें, हम समझते हैं तकलीफ कितनी होती मालूम। फरमाया करके इंतकाल के बाद मैयत चाहती कि मुझे सबसे पहले जल्दी से कब्रिस्तान में ले जाकर के दफन कर, और तकलीफ इतनी होती है जो मक्खी बैठती है ना, एक मक्खी बैठती है, एक मक्खी जब बैठती किसी
इंसान के इंतकाल के बाद उसके जिस्म पर उसे ऐसा महसूस होता है कि पहाड़ मेरे ऊपर रख दिया गया, पहाड़ मेरे ऊपर रख दिया गया है। इसलिए फरमाया गया कि मैयत के को गुस्ल और दफनाने के अंदर जल्दी की जाए, 5-6 जल्दी से इंतजाम किया जाए। अब आपने घर के अंदर मैयत को रख दिया, अब पानी आप तैयार, सबसे पहले पानी को आप गर्म करें, नीम गर्म पानी हो, बिल्कुल फुल गर्म पानी ना हो। अब उस पानी के अंदर थोड़ा सा आप बेरी का पत्ता डाल दें, बेरी का पत्ता डाल करके छान लें, तो आप उसी में छोड़ दें, बेरी का पत्ता या अनार का पत्ता आप डाल करके थोड़ा सा जोश दे दें। उसके बाद पानी बिल्कुल गर्म मैयत के गुस्ल के अंदर इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं है। ऐसा पानी जो नीम गर्म हो, सबसे ज्यादा गर्म ना हो, नीम गर्म हो, ऐसा पानी आप मैयत के गुस्ल में इस्तेमाल करेंगे। अब पानी तैयार हो गया तो गुस्ल देने वाला अगर कोई उनका करीबी रिश्तेदार है या कोई हमारे ऐसी तंजीम है जो पाबंदी हो, नमाज की पाबंदी हो, और हमारा नौजवान भी ऐसा हो कि वो 5 वक्त की नमाज की पाबंदी भी करता हो, उसके साथ साथ गुस्ल देने का तरीका भी वो जानता हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो गुस्ल देने की कोशिश करें। अब गुस्ल देने की जगह अल्हम्दुलिल्लाह आप कहीं पर भी गुस्ल दे सकते, ऐसा नहीं कि आप घर में गुस्ल नहीं दे सकते। अगर मौका तो अगर घर में ही नहाने की अगर जगह है, प्लेस है, आपका बाथरूम इतना बड़ा है, तो आप घर में भी गुस्ल दे सकते हैं। ऐसा नहीं, हमारे क्या होता है मालूम है कि जब मौता मरती है ना, वो जिस बिछाने पर सुलाते हैं वो न्याय नई भी हो तो हम क्या समझते हैं, उसे मानूस समझते, उठा करके फेंक देते हैं। मौता के जितने भी कपड़े होते हैं उठा करके फेंक देते हैं। फरमाया गया ऐसा करने से मना फरमाया गया। इस्तेमाल की चीज अगर आपने इसराफ की फिका दी तो आप गुनाहगार होंगे। इसलिए फरमाया गया उनके जो इस्तेमाल के कपड़े हैं, जो बेड वसूल थे, वो सब इस्तेमाल की जा सकती है, उठा करके फेंकने की जरूरत नहीं, इजाजत इस्लाम इसकी नहीं है, ये बिल्कुल फजूल है और इसराफ है। हाँ, इस्लाम यहाँ तक कहता है, हमारा इतना प्यारा मजहब है, फरमाया गया कि मैयत के कफन में सिर्फ कितने कपड़े इस्तेमाल करें, कितने, 3 कपड़े इस्तेमाल करें, अगर चौथा हो तो फरमाया गया वो चौथे कपड़े को काट लिया जाए, दूसरे के इस्तेमाल में इसराफ करने की इजाजत इस्लाम नहीं देता है ना। खैर, इससे उमरा से लाए थे इराम का कपड़ा वो भी डाल दो, हमारे पीर साहब ने लाया था कपड़ा वो भी डाल दो, इसके साथ साथ 3 कपड़े भी डाल दो, इसकी इजाजत नहीं। पहले से अगर आपके पास इराम का कपड़ा है तो आप लाकर के मौजे को दे दिए, 1 कपड़ा मिला ले, उसके साथ 2 कपड़े आप इस्तेमाल करें, ऐसा हो सकता है। मगर हमारे क्या होता है, कफन तैयार होने के बाद बेटे को याद आता है कि इराम का कपड़ा था, वो लाकर के देता था, किसी भी तरीके से एडजस्ट कर दो, ये डालो, चौथा कपड़ा हो गया। और कोई आए उन्होंने कहा कि पीर साहब ने कपड़ा दिया, फिर डालो, 5वां कपड़ा हो गया। इसी तरीके से ये इसराफ करने की इजाजत नहीं है, इस्लाम इजाजत नहीं देता कि आप 3 कपड़े इस्तेमाल करें, मर्द के गुस्ल में, मर्द के कफन के अंदर, और औरत के कफन के अंदर कितने, औरत के कफन के अंदर कितने कपड़े इस्तेमाल करें, कितने, औरत के कफन में कितने कपड़े होते हैं, 4 होते नहीं, 7, कितने होते, 7 होते नहीं, मर्द के कफन में 3 कपड़े, औरत के कफन में जी 2, औरत के कफन में कितने होते, टोटली 5 होते। मामूली दोनों को कॉमन है कफन, ये है ना, जो कफन है ना वो कॉमन है, एक लिफाफा, एक इजार, एक कफनी, ये तो 2-3 कपड़े जो है कॉमन है दोनों के। औरत को 2 कपड़े कौन से ज्यादा होंगे, एक ओढ़नी, दूसरा सीना पर, 2 कपड़े ज्यादा होते हैं औरत के लिए। एक ओढ़नी, ओढ़नी का कपड़ा इतना लंबा हो कि पीठ के ऊपर यहाँ पर डालें तो उसके बाद से ला करके मिसले नकाब उनके चेहरे के ऊपर छोड़ दें, ये ओढ़नी। सीना बंद किसे कहते हैं, यहाँ से लेकर के रात तक ला करके एक कपड़ा बांधा जाता है, इसे सीना बंद कहते हैं। ये 2 कपड़े एक्स्ट्रा होंगे औरत के लिए, बस औरत को 5 कपड़ों में कफन देना सुन्नत है और मर्द को 3 कपड़ों में कफन देना सुन्नत है। अब आइए इंशाल्लाह कफन के ताल्लुक से मैं बात बताऊं, तो उसका तरीका
मुश्किल किस तरीके से दे, है ना। अब आसानी के साथ, अब आइए एक आदमी आपको यहाँ आज सामने, अब आइए। अब हुस्न देने के लिए आप सबसे पहले पानी का इंतजाम हो गया, तो पानी का इंतजाम आपने कर लिया, तो उसके बाद क्या है कि आप मैयत के जिस्म के ऊपर जो कपड़ा है ना, उस कपड़े को आप आहिस्ता से निकाल देंगे, आहिस्ता से उस कपड़े को निकाल देंगे, रफ्यूज नहीं करेंगे, है ना। मैयत को उठाना बिठाना पलटाना ऐसा इस तरीके से और रफ नहीं करेंगे। फरमाया गया कि इसलिए कहा गया कि मैयत का करीब रिश्तेदार वो सुन दे तो वो जानता है, है ना, किस तरीके से आराम के साथ ये काम करना है। अगर कोई बाहर से आता है तो क्या करता है, तो मेरा तो नहीं है ना, जो उठाओ बिठाओ पटको जो भी करना चाहता है वो करके चला जाता है। मगर मैयत के साथ ऐसा बर्ताव किया जाए, एक तरीका बताया गया है, जिस तरीके से एक बच्चे के साथ आप बर्ताव करते हैं, एक बच्चे के साथ बच्चे को उठाते उठाते पटकते है ना, बच्चे के साथ जिस तरीके से बर्ताव किया जाता है उसी तरीके से मैयत के साथ भी बर्ताव किया जाए। हाँ, अब मिसाल के तौर पर नहलाने वाला जो है ग्लोव आते हैं आज, है ना, ग्लोव ले, या तो कपड़े के साथ कपड़े की थैली आती है उसे ही आप पहन ले, कपड़ा लपेट ले, उसके बाद सबसे पहले कपड़े उतार दे, मैयत के कपड़े सबसे पहले उतार दे, कट करके काम रहे होगा जी। अगर आसानी के साथ निकलता है तो उसे आसानी के साथ निकलता है, अब पैंट वगैरह पंची वगैरह तो पैर उठाने का आसानी खत गया। अब रहा शर्ट का मसला, शर्ट निकालने का तरीका भी ये है कि सबसे पहले इसको आप ऊपर तक चढ़ा दें, ऊपर तक चढ़ा दें, उसके बाद एक आस्तीन निकाल ले तो नीचे से खींच ले, इस तरीके से नीचे से खींच ले, ये आस्तीन आसानी के साथ निकल जाएगी। अगर नहीं निकलता तकलीफ हो रही तो आप यहाँ से कैंची में आप काट काट करके इसके साथ निकाल लें। हाँ, जो तख्ता जिस पर हम गुस्ल देते हैं मैयत को, सबसे पहले उसे जो ऊद होता है उससे पांच या तीन या सात मरतबा धुआं दे, जिस तख्ते पर हम नहलाना चाहते हैं उस तख्ते को थोड़ा सा धुआं दे, और जनाजे को थोड़ा धुआं दे, और जो कफन है ना कफन को थोड़ा सा धुआं दे दे। उसके बाद अब मैयत को लिटा दिया गया तख्ते के ऊपर, लिटाने के बाद उनके कपड़े उतार दिए गए, तो एक सफेद कपड़ा थोड़ा सा चिकनस हो, थोड़ा सा मोटा हो, है ना, मौजे साहब इतना पतला कपड़ा देते हैं पानी डालते ही उनका पूरा जिस्म नजर आता है, पूरा सतु नजर आता है, इसलिए सीक्रेट पार्ट्स जो होते हैं मुर्दे के उसे देखने से मना फरमाया गया। गुस्ल देने वाला जो बार बार नजर ना करे कि इधर उधर देखते देखते वो गुस्ल दे, फरमाया गया कि देखने की इजाजत नहीं है, हो सकता है कि कोई ऐब हो उसे छुपा रहा था, अगर आपने उसे देख लिया तो एक महदी जाहिर कर दी, इसलिए फरमाया गया कि मैयत के जो सीक्रेट पार्ट होते हैं बॉडी के उसकी तरफ ज्यादा नजर ना की जाए, सतह की तरफ। हाँ, अगर जिस्म है आप देख सकते हैं, चेहरा है आप देख सकते हैं, है ना, अब जो हमारा जिस्म का वो हिस्सा है कमर के नीचे वाला उसे आप ना देखें। हाँ, अब इस तरीके से कपड़ा आप मैयत के ऊपर डाल करके पूरे का पूरा उसके जिस्म के ऊपर जो भी लिबास था उसे उतार दें, पूरा कपड़ा उतार दें। अब उसके बाद एक सफ़ेद कपड़ा आप मैयत के ऊपर डालें, डालने के बाद इस तरीके से डालें, उसके बाद सबसे पहले जो आदमी गुस्ल देने वाला हो वो हाथ में ग्लोव वगैरह पहन करके वो इस्तिंजा कराए, सबसे पहले इस्तिंजा कराए, कमर के नीचे जितनी भी नजासत होती है, अगर पेशाब हो जाता है किसी को यकीन हो जाता है तो क्या करें, सबसे पहले इस्तिंजा कराए। इस्तिंजा बहुत सारे लोग क्या करते हैं, थोड़ी सी एक ईंट का ढेला लेकर के इस्तिंजा कराते हैं, है ना, ईंट का ढेला लेकर के वो पूरा है इस्तिंजा कराते हैं, अगर ईंट का ढेला नहीं है तो पानी से भी चल जाएगा, है ना, पानी से भी आप कमर के नीचे से आप धो दें, धोने के बाद आप थोड़ा सा पानी बहा दें, उसके बाद क्या करेंगे आप सबसे पहले हाथ धोकर के आप मैयत को वजू कराएंगे, मैयत का वजू कैसा कराएंगे आप, कैसा कराएंगे हाथ धुलाएंगे, हाँ बहुत सारे मौजूद हजरात को मैंने देखा है वो मैयत के ही ऐसे हाथ उठा करके इस तरीके से धुलाते हैं, और इस तरीके से मुंह में पानी डालते हैं, नाक में पानी डालते हैं, उसके बाद चेहरा धुलाते हैं, ऐसा बिल्कुल इजाजत नहीं है।
मैयत के गुस्ल के अंदर वजू क्या, वजू के चार फराइज अदा कर दिए जाए, है ना। मैयत के गुस्ल में क्या है, हाथ धोना क्या है, सुन्नत है, गरगरा करना सुन्नत है, नाजुक पहुंचना सुन्नत है ना। अब क्या करेंगे, जो नहलाने वाला है वो पानी लेकर के थोड़ा चेहरा इस तरीके से पूरा धुलाएगा, अच्छी तरीके से चेहरा धुलाएगा पानी लेकर, हो गया। उसके बाद हाथ पानी डालकर के वो खुद धोएगा, ऐसा नहीं कि उस मैयत के हाथ को डालकर किस तरीके से उठाए, ऐसे भी बहुत सारे हजरात हैं कि डालकर के पानी से उठाते, फोल्ड नहीं होता हाथ, जब क्या करते मालूम है, इस तरीके से फोल्ड करते हैं, जबरदस्ती फोल्ड करके मैयत को तकलीफ देते हैं। इससे मना फरमाया गया कि बच्चे के साथ जिस तरीके से बर्ताव करते हैं आप उसमें उस तरीके से बर्ताव। पानी आप डालें, पानी डालकर के अच्छी तरीके से आप सीधा हाथ आपने धो दिया, उसके बाद आप आइए इस तरीके से, हाँ ऐसा ना, अगर कोई पकड़ ले मदद वाला तो आप पानी डाल करके दोनों हाथ आपने अच्छी तरीके से धुला दिए। उसके बाद मसा, आपको पानी हाथ भिगो करके आप मसा करेंगे इस तरीके से, हो गया मसा। चौथाई सर का मसा फर्ज, उसके बाद दोनों पाँव आप धोएंगे टखनों समेत, दोनों पाँव धो दें अच्छी तरीके से, उनका खिलाल भी करें अच्छी तरीके, दोनों पाँव धो दें। ये वजू हो गया मैयत का, मैयत के लिए वजू हो गया। अब क्या करें, अब सबसे पहले ये जो है ना, ये लेफ्ट है, लेफ्ट है ना, ये राइट है। अब आप क्या करेंगे, ये पैर आप थोड़े ये पैर उठा करके इस तरीके से रखेंगे सर, इस तरीके से आप पैर रखेंगे, हाथ वही रखेंगे, ये जो है ना हाथ इस तरीके से एक आदमी उठेंगे, थोड़ा सा इस तरीके से करवट, थोड़ा इस तरीके से करवट उठाएंगे, ये हाथ इस तरीके से रखें करवट उठा। अब कपड़ा आप हटने ना दें, कपड़े को हटने ना दें, इस तरीके से आप कपड़े का आप इस्तेमाल करें। अब आप देखें, अब यहाँ से आप पानी डालें, यहाँ से सीधी तरफ से शुरुआत करें, सबसे पहले पानी यहाँ से डालेंगे, आप नीचे तक पानी डालेंगे अच्छे तरीके से। उसके बाद अगर साबुन है या तो रेखे वगैरह हम भिगो करके रखते हैं कफ के लिए, आप उसे डाल करके अच्छे तरीके से पूरा यहाँ से नीचे तक आप धो देंगे अच्छे तरीके से। अब आप इस तरीके से आहिस्ता से छोड़ दें, अब वो पैर उठा करके उस पर डाल देंगे, हाँ। अब लेफ्ट साइड इस तरीके से आप देखिए, इस तरीके से उठा आहिस्ता से इस तरीके से, अब पानी डाल करके ये पूरा हिस्सा लेफ्ट साइड का, ये पूरे का पूरा हिस्सा कपड़ा आप इस तरीके से कपड़ा रखें जी, कपड़ा ऊपर रहे, अब यहाँ से पूरे का पूरा पानी डाल करके अच्छी तरीके से साबुन डाल करके आप अच्छी तरीके से आप वो सुन लें, उसके बाद इस तरीके से छोड़ दें हाथ को, हो गया। अब आप देखिए, अब इतना पानी गएगा, अब अच्छी तरीके से आप सर भिगाए, सर और पूरे का पूरा चेहरा और नाक वगैरह भिगाने के बाद पानी बहा दें थोड़ा, उसके बाद क्या करें, मैयत को थोड़ा सा इस तरीके से हाथ रखें, अब दो हाथ में इस तरीके से थोड़ा सा मैयत को इस तरीके से उठा करके बिठाए इस तरीके से, और थोड़ा हाथ पेट के ऊपर हाथ फैले ताकि अगर कोई नजासत हो तो निकल जाए, इस तरीके से आहिस्ता से, ऐसा नहीं कि आप दबा दबा करके मार दें मैयत के ऊपर, ऐसा नहीं, आहिस्ता से आप हाथ फेर दें इस तरीके से, तो उसके बाद फिर है ना इस तरीके से छोड़ें। अगर नजासत है तो आप पानी बहाएं, नजासत है पानी बहाएं, फिर एक मरतबा इस तरीके से आप इस तरीके से सर को सपोर्ट देकर इस तरीके से बिठाएं मैयत को, और उसके बाद हाथ इस तरीके से थोड़ा सा दबाएं, उसके बाद आप छोड़ दें, छोड़ने के बाद आप देखें कि कहीं नजासत तो नहीं, अगर नजासत निकल गई दोबारा पेट में से, अगर गंदगी बाहर आ गई, नजासत बाहर आ गई, तो दोबारा वजू कराने, दोबारा वजू देने की जरूरत नहीं, सिर्फ इतनी जगह को आपने धो दिया तो काफी हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे आप इस तरीके से पानी बहा दिया पूरा, उसके बाद आप करेंगे काफूर का पानी, काफूर का जो पानी होगा अच्छी तरीके से आप जो रेथे का पानी होता ना पूरे जिस्म के ऊपर आप छिनकेंगे, छिनकने के बाद साबुन जो है ना, फरमाया गया कि कोई इस्लामी कंपनी का साबुन इस्तेमाल करें जिसके अंदर स्प्रिट वगैरह ना हो, ऐसा साबुन इस्तेमाल करने का हुक्म दिया गया। अगर साबुन भी ना हो ऐसे भी चल जाता है, रेथे का पानी आप अच्छे तरीके से सर से लेकर यहाँ तक डालें, उसके बाद साबुन वगैरह लेकर के अच्छे तरीके से पूरे हाथ और बगल और पूरा जिस्म के ऊपर से लेकर के पूरा सर और पीठ
सब पूरी तरफ अच्छी तरीके से साबुन से आप साबुन डाल करके हाथ से लगड़ेंगे, नार वगैरह लेकर के आप जिस्म नहीं लगेंगे। और जो नहलाने वाला हो और जिसके जो करीबी अगर कोई रिश्तेदार हो तो अल्हम्दुलिल्लाह जो नाखून वगैरह होते हैं उसके अंदर थोड़ा सा काढ़ी वगैरह लेकर के अगर मैल है तो उसे निकाल दें, उंगलियों के नाखून में भी निकाल दें और सर से लेकर पैर तक अच्छी तरीके से साबुन डाल करके आप पूरा धो दें, पानी बहाएंगे। ये गुस्ल के अंदर सिर्फ एक ही फर्ज है कि पानी बहाना। अब पानी बहा दिया तो उसके बाद क्या करेंगे, ये कपड़ा काटेंगे, ये कपड़ा काटेंगे बोले तो दूसरा कपड़ा डाल करके यहाँ पर ये कपड़ा निकाल देंगे, ये कपड़ा निकाल दें और दूसरा कपड़ा आप डाल करके आप क्या करेंगे, थोड़ा सा एक बकेट में पानी लेंगे, पानी लेने के बाद आप उसके अंदर कापूर डालेंगे, कापूर डाल करके उस पानी से आप फाइनल में पूरे जिस्म पर से बहाएंगे, पूरे जिस्म पर से बहाएंगे और नीचे भी इस तरीके से हो सके तो पैर उठा करके अच्छी तरीके से पानी डाल करके बहाएं और उसके बाद पूरे जिस्म पर से आपने कापूर का पानी बहा दिया तो उसके बाद एक अच्छा सा पाक कपड़ा लेकर के आप पूरे जिस्म को आप दबा करके पोंछ दें। ऐसा नहीं कि पूरा आप इस तरीके से पोंछ दें, ऐसा नहीं कि आप थोड़ा सा चुपके जो पानी है जिस्म के ऊपर उसे सुखा दें, ये डाल करके कपड़ा डाल करके हो गया। ये गुस्ल का तरीका है। इसके अंदर आप कोई डाउट कुछ पूछना चाहते हैं इसके अंदर? पानी है ना जी, गड़ा काट के इधर डाल, ऐसा सर कोई ऐसा क्या नहीं, जैसे म्युनिसिपैलिटी के लिए जा सकता है, हाँ पानी जा सकता है उसमें ना, आपको मखसूस क्या भी नहीं कि गड़े में डालना, ऐसा कुछ भी नहीं है कि जा सकता है। तो पहले ऐसा होता था कि लोग घरों के सामने गड्ढा खोद करके उसके अंदर इस्तेमाल करते वो बंद कर देते थे, मगर ऐसा है आज कि आज थोड़ी सी जगह जो है ना टार का रोड डालते हैं, कहाँ पर आप पत्ते और बैठे हैं नहीं, आप पानी कहाँ पर भी आप बहा सकते हैं, सिलेंडर में भी वो पानी बहा सकते हैं। और आपने वो पहले उत्तर जकारा के बाद भी उसे कर दिया, इसके अंदर पहले करा था उसके बाद ही बोल जब फाइनल में पानी बहाना है आपको तो उस वक्त में एक मरतबा चेक कर ले, अगर पहले ही मैंने कर दिया इस्तिंजा करा दिया तो पहले कराते में इस्तिंजा उस वक्त में नहीं होता, क्योंकि मैयत को इधर करते हैं उधर करते हैं ना, उसके बाद जो पैर उठाते हैं तो अगर लीकेज हो गया कुछ पेट में से है ना, नजासत अगर बाहर आ गई तो उसके बाद अगर हम नहीं उठाते अगर ऐसे उठाते हैं कफन में रखते तो कफन गंदा, हाँ इस वजह से फरमाया गया कि पहले आप इस्तिंजा कराए, सबसे पहले हाथ धोकर इस्तिंजा कराए, कमर के नीचे अच्छी तरीके से धो ले, उसके बाद मैयत को वजू कराए। में बहुत आसान है कि आप पानी लेकर किस तरीके से धोएं। अब कोई सवाल करता है भाई जिंदों के मैयत में जिंदों के अंदर तो वजू के अंदर कुल्ली करना है, हाथ धोना है ना कि पहनना है, अगर ऐसा है तो आप थोड़ा सा कपड़ा या कपास रखें साथ में, कपड़ा या कपास रखे उसे भिगा करके अच्छे तरीके से आप होंठ और दांतों के ऊपर फेर दें, उसके बाद फिर भिगो करके नाक के अंदर थोड़ा सा हो गया। उसके बाद आप क्या करेंगे, सबसे पहले पानी लेकर के कार में पानी डालेगा, पानी लेकर के आप चेहरा पूरा धोएंगे अच्छे तरीके से, उसके बाद दोनों हाथ कोहनियों समेत अच्छे तरीके से धोएंगे, ये भी और ये भी, और उसके बाद आप सर का मसाज इस तरीके से आप खुद करेंगे सर का मसाज, उसके बाद आप दोनों पाँव टखनों समेत धो लेंगे। ये हो गया। अब इसके बाद जो है ना क्या करना है, इसके बाद क्या करना है, वजू मैंने करा दिया, मैंने पहले स्टेप क्या किया, पलटाने के बाद आप अच्छी तरीके से Thank you.
पॉज कर लो आप
पानी आपने बहा दिया तो उसके बाद आप उठा करके बिठाने का तरीका ये है, दोनों हाथ यहाँ पर रख ले उठा करके और इस तरीके से गर्दन में हाथ दे, दो आदमी इस तरीके से बिठा रहा है ना, बिठाए उसके बाद थोड़ा सा पेट प्रेस करें, उसके बाद अगर ना जा सकता खुली हो तो उसे अच्छे तरीके से साफ कर दे, फिर एक मरतबा अगर डाउट आता है तो फिर बिठाए तो उसके बाद अच्छे तरीके से धो दे। अब उसके बाद जो काफूर का पानी होता है एक बकेट में थोड़ा सा काफूर डाल दे, है ना, काफूर बोलते हैं काफूर डाल के मिक्स करके अब आपको फाइनल मुंह देना है, फाइनल आपको पूरा पानी बहाना है, पूरा पानी बहा दिया तो उसके बाद आप क्या करेंगे एक एक कपड़ा लेंगे, वो कपड़ा भी निकाल करके इस कपड़े से थोड़ा सा इस तरीके से डाल करके दबा करके आप सुखा देंगे, आप घसेंगे नहीं डाल करके अच्छे तरीके से दबा देंगे। अब उसके बाद अब थोड़ा सा आपको जाए अब क्या करना है, अब आपको मैयत अब आप देखिए ये है ना जनाजे के अंदर आप इस तरीके से जनाजे के अंदर अब आप देखिए जनाजे के अंदर आपको इस तरीके से कपड़े को डालना है, जनाजे के अंदर आपको इस तरीके से कपड़े को डालना है, ये क्या है मैं दिखा देता हूँ, पहले सबसे पहले ये जुब्बा है इसे कपड़ी भी कहते हैं, ये मैयत के कद से देखो घुटने के नीचे बहुत आसान है, सिला हुआ कपड़ा नहीं ये मामूली कपड़ा है, हाँ जो मैयत के हिसाब से अगर छोटी है मैयत तो उसके हिसाब से, अगर बड़ी है तो उसके हिसाब से भी आप इस तरीके से घुटने के नीचे तक इसे कफनी बोलते हैं। ये जो कपड़ा है ये सर सर से लेकर के पांव तक जिसे हम इजार कहते हैं, जिसे इजार कहते हैं, सर से लेकर सर के लेकर पांव के पांव तक उतना होना चाहिए, अगर ज्यादा हो गया बांधने में आ गया तो भी चलेगा। तो उसके बाद ये तीसरा जो कपड़ा है ना इसे क्या बोलते हैं, लिफाफा बोलते हैं, लिफाफा शादी में देते हैं तो लिफाफा बंद करें, ये फाइनल फाइनल में बंद करने को इसे लिफाफा कहते हैं। ये तीन चादर है, तीन कपड़ा है जिसे कफन में इस्तेमाल करना सुन्नत है। सिलाने की इजाजत नहीं है ना, आप देखिए अब इस तरीके से आप सर की जगह थोड़ा सा फोल्ड करके आप काट लेंगे, अगर काटना चाहते हैं तो इस तरीके से आप फोल्ड करके आप काट, काटने के बाद अगर वो काट मर्द का है, अगर कफन मर्द का है क्या करना है, नहीं, मर्द का है अगर तो इसके अंदर कोई एक थोड़ा छोटा सा फर्क करना है, अब बताइए क्या करना है, हाँ अगर मर्द का है तो खांदे की तरफ थोड़ा फाड़ना, खांदे की तरफ थोड़ा कट करना है, औरत का है तो क्या है, नहीं नहीं औरत का है तो क्या करना पड़ेगा, अगर औरत का कफन है, ये तीन कपड़े दोनों में कॉमन है मर्द और औरत, औरत में सिर्फ दो छेद होते हैं, एक ओढ़नी दूसरा सीना पर, दो के अलावा और सेम काम है। अब इसमें मर्द के लिए खांदे पर फाड़ना है ये तरीका है, और औरत के लिए थोड़ा सा आसानी के साथ सर चढ़ा, औरत के लिए सीने के ऊपर इस तरीके से ऐसा सीने की तरफ फाड़ना, औरत के लिए हाँ सीने की तरफ फाड़ना है और मर्द के लिए खांदे की तरफ, निशानी यही है दो तरफ एक तरफ से तरफ एक तरफ है ना, हो गया इस तरीके से। जब आप जनाजे के अंदर बिछा दें तो ये जो कपड़ा है ना वो कपड़ा आप यहाँ तक लाए बांधने के लिए आसानी हो, नीचे कपड़ा उधर नहीं लो हो गया बस, अब ये देख लो कि बांधने के वास्ते जनाजे में इजी हो। अब यहाँ सर यहाँ बैठता बोले तो इस तरीके से ये जो है ना ये फोल्ड कर लीजिए, ये फोल्ड करके जनाजे में रख लीजिए। अब इसके अंदर सोना आ जाते हमने कफन के ऊपर सुला दिया जनाजे के अंदर। अब उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो है ना ये सही तरीके से सर की जगह पे आप इस तरीके से आप पिना करके ये थोड़ा सा अभी बड़ा कर सकते हैं क्या प्रॉब्लम, हो गया
किस तरीके से ये आ गया, इसे जुबा भी कहते हैं और कफनी भी कहते हैं। एक दूसरा जो इजार है ना, ये इजार वाला हिस्सा, इसे जो है ना ये राइट है, किधर का फोल्ड करना पहले, लेफ्ट का करना, खोलते वक्त जो है ना आखिर में पहले राइट आए, खोलते वक्त क्या होता है राइट पहले खोले, इस तरीके से ये जो है ना ये हिस्सा इस तरीके से आप करेंगे फर्स्ट, उसके बाद ये हिस्सा इस तरीके से आप करेंगे वही इस तरीके से आप हो गया। उसके बाद जो है ना ये जो लिफाफा फाइनल में जो बांधने वाला हिस्सा है वो इस तरीके से लेंगे टाइट से, यहाँ पर भी टाइट लेंगे और वहां पर भी इस तरीके से टाइट लेकर के आप देखिए एक यहाँ का जो ये बांधने का जो निकाल दिया क्या थोड़ा मैं हवा के लिए थोड़ा ये बांध दिए यहाँ पर पेट के ऊपर है ना, एक गांठ डालो डेढ़ घंटे अब यहाँ पे ऊपर, उसके बाद नीचे एक है ना डाल करके बांध दिए हो गया जी। हाँ स्ट्रेट करना, हाँ अब जो है ना ये, अब इसके बाद अगर जैसा खोल के कफन हो गया तो आपको अबीर वगैरह जो होता है ना वो सीने पर डाल करके एक कपड़े का लिमा से लिखना है, इसके ऊपर जो कफनी है उसके जो जुब्बा है उसके ऊपर अबीर वगैरह डाल करके उंगली से कलमा लिखना है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखना है। गाड़ी से लिख सकती मगर पेन से नहीं, हाँ पेन से मना फरमा दिया, पेन में लिखने की इजाजत नहीं, हो सके तो पेशानी पर बिस्मिल्लाह रहमान रहीम उंगली में लिखे और सीने के ऊपर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखे। उसके बाद सुरमा वगैरह लगाए ये कफन बांधने से पहले, काफूर जो है ना काफूर काफूर हाँ वो कहाँ पे लगाना है नहीं नहीं कहाँ पे लगाना है अब तक कुछ नहीं, तुम्हें उसके जनाजे जो हमारे गए काफूर क्या वास्ते लगा है नहीं कहाँ पे लगा दी मालूम क्या है कमर के कहाँ लगा दी सीने में नहीं कमर के नीचे हमारे जो आजाए सजूद हैं सजदा करने की जो हड्डियां हैं ना हमारे हार्ट जो हड्डियां हैं ना उसके ऊपर लगाने का हुक्म दिया है। ये सबसे पहले तलवों को लगाना जो हमें नमाज के लिए खड़े होती, उसके बाद घुटने घुटनों के ऊपर लगाना, उसके बाद जो हमें हथेलियां रखती हथेलियों को लगाना, उसके बाद क्या रखती पेशानी के ऊपर आप जो काफूर है उसे लगाए, इसका मतलब है कि वो आप कहीं पर भी डाल दे तो आठ जो हमारी जो चीजें जो नमाज में जमीन से लगते हैं उन उन चीजों के ऊपर काफूर लगा दे। उसके बाद सुरमा भी आप बांधने से पहले जी बांधने से पहले पूरा लगा करके बाद में फोल्ड कर दे, फोल्ड करने के बाद आप खोल करके आप यहाँ पर अबीर वगैरह डाल करके चेहरा इस तरीके से बंद दे मुंह बंद कर दे, क्योंकि अगर अबीर आप डालेंगे तो पूरा चेहरा चेहरे के ऊपर वो धूल पूरी उड़ जाएगी, इसलिए आप बंद करके यहाँ पर डाल के थोड़ा सा फैला दे, उसके बाद आप कलमा शरीफ लिख दे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह करके बाद में आप हटा करके पूरे का पूरा। हाँ इसके अंदर एक बात ये है शजरा जो रखा जाता है वो शजरा बहुत सारे हमारे भाई क्या करते हैं कि मैयत के बगल में रखते हैं, ऐसा रखने की इजाज़त नहीं है, ऐसा आप हरगिज़ ना करें, इसलिए कि जब मैयत फटती है तो उसके अंदर जो अल्फाज होते हैं कुरान के उसकी बेअदबी होती है, सड़ जाती है मैयत फटने के बाद वो उन चीज़ों की बेअदबी होती है। तरीका ये बताया गया कि अगर आप शजरा रखना चाहते हैं तो कहाँ रखें, मैयत के सीधी से खबर है ना, मैयत के सीधी से थोड़ा सा एक ताक बना, हाँ खबर है थोड़ा सा एक कोल बना, राइट साइड में मैयत मेरा खाना है,
हाँ, थोड़ा सा कानून है उसके अंदर प्लास्टिक पे डाल करके वो चीज रखते, अगर शजरा वगैरह रखना चाहते हैं तो उसके लिए इजाजत दी गई, इस तरीके से रख सकते हैं। और नहीं, कबर के अंदर एक बगली होती है कबर, एक साथी होती है और एक संदूक होती है, ये तीनों चीजें जारी से बना सकते हैं। मगर बेशतर हमारी तरफ चलने वाली कबर क्या है, बगली है। क्या होती है, एक कबर हम खोदते हैं तो एक सिर्फ थोड़ा सा गड़ा खोदते हैं, थोड़ा सा अंदर है ना, मैयत उसमें रख करके चेहरा जो है ना किबले की तरफ करके, चेहरा इस तरीके से, चेहरा कर करके हम इस तरीके से सुलाते हैं, उसे बोलते हैं बगली। और जो बिल्कुल सादी होती है कबर, बिल्कुल सादी, उसमें भी क्या करती है कि थोड़ा सा मैयत को करवट करके इस तरीके से चेहरा किबले की तरफ हो जाए, इस तरीके से सुला करके पत्थर या तख्ता वगैरह हम पीछे से लगा देते हैं। मगर जो संदूक बनाते हैं, संदूक देखें कभी कबर का कोई, इस तरीके से आकर के फिर दोबारा इस तरीके से आकर के ऐसा होती है। हाँ, अगर मैयत उठ करके बैठ जाए, मैयत उठ करके बैठ जाए तो इस तरीके से बनाती है, उसके ऊपर तख्ते इस तरीके से रखते हैं ना, पत्थर तख्ते वगैरह इस तरीके से पूरा मुड़ करके अंदर बिल्कुल गैप होता है, अंदर बिल्कुल गैप, इससे क्या बोलते हैं, संदूक बोलते हैं, संदूक है ना। तीनों चीजें बना सकते हैं, ये तरीका है। इसके बाद आप क्या करें, लिखने के बाद सुरमा वगैरह लगा दिया और उसके बाद आप कफन को अच्छे तरीके से आप इस तरीके से पूरा फोल्ड करके सर के ऊपर यहाँ पर बांध दे, उसके बाद पैर के पास बांध दे, पेट के ऊपर बांध दे, उसके बाद आपने जनाजे को ढक दिया, जनाजे को ढकने के बाद आप चादर डाल करके उसके ऊपर फूल वगैरह डाल, फूल डालने का हुक्म भी दिया गया, इसलिए जब तक वो तर रहती है चीज, कच्ची रहती है तो वो अल्लाह का जिक्र करती है, हर तर से अल्लाह का जिक्र करती है। अगर वो अल्लाह का जिक्र करती है तो अगर मैयत गुनाहगार है तो उसकी गुनाह उसके अजाब में तरक्की होती है, उसके अजाब में कमी हो सकती है ना। इस तरीके से आप या फाइनली क्या है, इस तरीके से आप कफन बना सकते हैं, आसान है कफन बनाना है ना। अपने घर के अंदर अगर किसी की मैयत हो जाए तो आप उस वक्त में बस 12 से 13 मीटर कपड़ा लाने या 14 मीटर भी लाने, अगर आपको तसल्ली ना हो तो आप क्या करें, खड़े हो जाए, एक आपके सर के ऊपर से एक हाथ बढ़ा ताकि बांधने के लिए नीचे थोड़ा मिल जाए, ऊपर मिल जाए, इसे क्या कहते हैं, लिफाफा कट कर लिया है ना, लिफाफा। उसके बाद आपके तल से आपके पांव तक चादर जो इजार बोलते हैं, जिसे इजार कहते हैं, आपके तल से लेकर पांव तक आप इजार बना लें। उसके बाद आप दो कपड़े फोल्ड करके यहाँ पर पकड़ेंगे, यहाँ पर पकड़ेंगे, अगर घुटनों के नीचे तक आ जाए तो उसे क्या कहते हैं, कफनी कहते हैं है ना, जुब्बा भी कहते हैं, कफनी भी कहते हैं। बस उसके बाद आप फोल्ड करके कट कर दें, बगैर सिला हुआ कपड़ा जो है जिसे हम कफन कहते हैं, इसके अंदर कोई स्टिच नहीं होता, सिला हुआ कपड़ा नहीं, बस इतना करना क्या मुश्किल काम, बहुत आसान है ना। हम जाकर के इंतजार कर करते हैं मौजूद के पास है ना, हम खुद कर सकते हैं तमाम तमाम चीजें, इंशाल्लाह कर लो। हाँ, जी, तीन कपड़े यही इजाजत, यही इजाजत।